हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। आइए इसके अंदर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बात करता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पेनल कोड। अब हमारे पास जो भी हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड है ना, पाकिस्तान पेनल कोड 1860, इसके तहत जो भी ऑफेंस है उसका ट्रायल हमारे पास इस कोड के तहत चलेगा। आ रही बात समझ में? इसका ट्रायल जो है वो सीआरपीसी के तहत चलेगा। इसकी बैरडिंग कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पेनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड Inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained. जो भी ऑफेंस दिए गए हैं पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, उसका जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी वो सीआरपीसी के तहत होगी, उसके अंदर जो भी इंक्वायरी उनकी होगी वो भी सीआरपीसी के तहत होगी, और उसका जो ट्रायल चलेगा ना वो भी सीआरपीसी के तहत ही चलेगा, और अदरवाइज डील विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस हेयर एंड आफ्टर कंटेंट, और जो भी प्रोविजंस सीआरपीसी में दिए गए हैं उसके तहत चलेंगे। ठीक है, उसका सबसेक्शन कहता है 2 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉस। अब जो हमारे पास है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस है अगेंस्ट अदर लॉस, जो भी दूसरे हमारे पास कानून है ना, जैसे कि स्पेशल्स या फिर लोकल कोई कानून है, जो कि हम पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि जो स्पेशल या फिर कोई लोकल ऐसा लॉ है किसी, जो फॉर एग्जांपल जो स्पेशल लॉ क्या है, स्पेशल लॉ वो जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अप्लाई होता हो, और लोकल लॉ वो जो किसी लोकल एरिए या फिर लोकल जो हमारे पास टेरिटरी है उन पर अप्लाई होता हो, वो लोकल लॉ। अब लोकल लॉ और स्पेशल लॉ दोनों जनरल लॉ पर प्रिवेल कर जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो आइए देख लेते हैं। ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड Inquired into, tried and otherwise dealt with according to same provisions. अब जो भी दूसरे कानून हैं उनके जो भी उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन या जो भी उनका ट्रायल है वो इसके तहत ही चलना चाहिए, मगर बट सब्जेक्ट टू एन इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बींग इन फोर्स रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरिंग इन टू ट्राइंग आर अदरवाइज डीलिंग विथ सच ऑफेंसिस। या फिर उसके अलावा अगर कोई और कानून स्पेशली बताया गया हो और उसका प्रोसीजर किसी और कानून में बता दिया गया हो तो फिर वो प्रिवेल करेगा। उन पर अथॉरिटी आप नोट कर लेना, हमारे पास पेज नंबर सेक्शन नंबर 5 पर अथॉरिटी वो आप ध्यान से पढ़ लेंगे। पीएलडी है 2003, लाहौर की है, पेज नंबर है 493। ये आप इसकी स्टडी अच्छी तरह कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 6 पर। सेक्शन नंबर 6 कहता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मैजिस्ट्रेट। अब हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स कितनी किस्म की होती हैं, आप तो आपके जहन में यही आ जाएगा सर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन जज और हमारे पास हाई कोर्ट। यहाँ पर हाई कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं आता है, वो अपेक्स कोर्ट है, वो हायर कोर्ट है, वो अपीलेट फोरम है, एक प्रोविंस के अंदर हायर फोरम है क्रिमिनल कोर्ट की अपील का। वो हमारे पास जो मैजिस्ट्रेट और सेशंस जो जज हैं ना वो यहाँ पर क्लासेस हैं हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स के। आइए इसकी बैरडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 6 कहता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मैजिस्ट्रेट। क्रिमिनल कोर्ट्स जो है ना हमारे पास उसका जो क्लासेस और जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके क्लासेस कौन कौन से हैं। सबसेक्शन 1 कहता है बिसाइड द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स constituted under any law other than this code for the time being in force, जो भी हाई कोर्ट्स के तहत जो भी हमारे पास कोर्ट्स बनाई गई हैं जो भी कानून के तहत, अरे बस फॉर द टाइम बींग इन फोर्स जो वक्त के मुताबिक, देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 क्लासेस की कोर्ट्स ही रहेंगी क्रिमिनल। कौन सी रहेंगी? एक कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। जब भी हमारा कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है तो फिर पहले कहाँ जाता है चालान के लिए? चालान के लिए जो इलाका का हमारे पास जो मैजिस्ट्रेट होता है उनके पास जाता है चार्ज के लिए। आ रही बात समझ में? उसके बाद अगर वो काबिल समात जो है मैजिस्ट्रेट के है
ठीक है, तो फिर मैजिस्ट्रेट चलाएगा ट्रायल उसका। अगर मैजिस्ट्रेट के नहीं है ट्रायल काबिल समात, मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो फिर वो सेशन को क्या करेगा, रेफर कर देगा। आ रही बात समझ में? तो फिर ये क्या हो गया, हमारे पास दो टाइप्स हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स की, एक मैजिस्ट्रेट जिसको हम ऐसे अभी कहते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और दूसरा अपीलेट फोरम सेशन कोर्ट। डायरेक्ट हमारे पास सेशन कोर्ट में चलते हैं, मगर उससे पहले अब हमारे पास असिस्टेंट सेशन जज है, जिसको अगर सिविल की तरफ से देख लें तो उसको सीनियर सिविल जज कहा जाता है। अब सब सेक्शन टू कहता है देयर शेल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट, नेमली कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। मैजिस्ट्रेट को तीन क्लासों में डिवाइड किया गया, मगर अब इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई प्रैक्टिकल मौजूद नहीं है कि ये मैजिस्ट्रेट कौन सा क्लास का, मैजिस्ट्रेट कौन सा क्लास का, मगर अभी जो हमारे पास करंट जो बताए गए हैं मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट इस तरह से है कि मैजिस्ट्रेट वही है, सब कुछ सेम ही है, कोई पावर वगैरह नहीं दिया गया किसी को, किसी को कम या किसी को ज़्यादा, मगर जो टेरिटरी है लिमिट्स के ज़्यादा, मीन्स जो PS होते हैं हमारे पुलिस स्टेशन, उसके तहत अगर एक जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर अगर ज़्यादा केसेस हैं, ज़्यादा PS स्टेशन पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से वो मैजिस्ट्रेट हमारे पास बैठा दिए जाते हैं। सबके पावर सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए इस पर एक अथॉरिटी आप नोट कर लें कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्स एज गिवन इन सेक्शन 6 आर नॉट एग्जॉस्टिव। जो क्लासेस बताए गए हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, जो मुकम्मल नहीं है, उन पर अथॉरिटी आप नोट कर लेना, 19 सेक्शन नंबर 6 पर है, 1998 PLD पेज नंबर है 1411। ये आप अथॉरिटी लाजमी देख लेना, सेक्शन नंबर 6 की अथॉरिटी, और ये सेक्शन नंबर 5 पर अथॉरिटी थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 7 पर, सेशंस डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या था, ये हमारे पास ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पेनल कोड, और 6 बात कर रहा था क्लासेस की कि कितनी क्लासेस हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की, और 7 बात कर रहा है हमारे पास सेशन डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट की। जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेशंस डिविजन्स बनता है, ठीक है, आ रही बात समझ, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज बैठता हो, और अगर काम ज़्यादा हो तो फिर उनके साथ एडिशनल जज बिठा दिए जाते हैं। आइए इनकी हम बैर रीडिंग कर लेते हैं सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन नंबर 7 वैसे बात करता है हमारे पास टेरिटोरियल डिविजन्स की, आ रही बात समझ में, टेरिटोरियल मीन्स हदूद की, हदूद के मुताबिक सेशन जज बिठाने हैं हमें। तो फिर सेशन जज, सेशन डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, सब सेक्शन 1 कहता है ईच प्रोविंस शल कंसिस्ट ऑफ सेशन जज, सेशन डिविजन्स एंड एवरी सेशन डिविजन्स शल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट आर कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जो भी हमारे पास सेशन डिविजन्स बनाए जाएंगे उसके अंदर सेशन डिविजन्स होगा, और वो सेशन डिविजन्स कंसिस्ट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट या फिर ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी उस सेशन डिविजन में हो सकता है। सब सेक्शन 2 कहता है पावर टू अल्टर डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। अब जो डिविजन्स बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले हैदराबाद जो था वो डिविजन था, और मीरपुर खास क्या था, उसका सब डिविजन था, अरे बस समझ में। अब मीरपुर खास जो है सेपरेट हो गया हैदराबाद से, हैदराबाद डिवीजन में नहीं आ रहा, अब जो मीरपुर खास है उसका सब डिवीजन्स बना दिया गया थर पार्कर जैसे मिठी, अरे बस समझ में। अब मीरपुर खास क्या बन गया, डिवीजन बन गया, और वो उसका सब डिवीजन बन गया। इससे पहले हैदराबाद से डिवीजन था, जैसे जैसे हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, जैसे केस वगैरह बढ़ते जाते हैं, ज़रूरत बढ़ती जाती है, आबादी बढ़ती जाती है, उस हिसाब से डिवीजन्स बनते जाते हैं। तो हमारे पास किसको पावर है, पावर टू अल्टर डिविजन एंड डिस्ट्रिक्ट, जो डिविजन्स हैं ना उसको अल्टर करना, और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट को अल्टर करना, चेंज करना। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अल्टर द लिमिट्स आर नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको पावर दिया गया है कि किस डिविजन्स को कितनी लिमिट देनी है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट को एंड सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, और जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स हैं उनको कौन सी लिमिट देनी है, कितनी हद तक उनको रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ये MPS मीरपुर खास है, और इसके बाद आ जाता है हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। अब कहाँ से कहाँ तक हैदराबाद होगा, और कहाँ से कहाँ तक
निपुखास होगा। आ रही बात समझ में? इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होते हैं। आ रही बात समझिए, डिस्ट्रिक्ट और डिविजन्स होते हैं, और डिविजन्स मीन्स वो जिसके अंदर एक से एक डिस्ट्रिक्ट या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं, और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वो जिसके अंदर एक सेशन जज बैठ सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सब सेक्शन नंबर 3 पर। 7 का सब सेक्शन 3 बात करता है एग्जिस्टिंग डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट मेंटेन्ड टिल अल्टर्ड। अगर कोई भी हमारे पास डिविजन्स जो बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट, वो अगर अल्टर्ड नहीं कर दिए गए तो फिर वो तब तक एज इट काम करेंगे और एज इट डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जब तक उसको अल्टर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 8 पर। सेक्शन नंबर 8 बात करता है पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। अब डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उनको सब डिविजन्स बनाने का पावर किसको है वो देख लेते हैं हम। सेक्शन नंबर 8, पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट एंड टू सब डिविजन्स। अब जो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको सब डिविजन में बना देना। पहले हमारे पास क्या था, मीरपुरखास एक डिस्ट्रिक्ट था, उसके अंदर थरपारकर, उमरकोट सब आ जाते थे। अब क्या कर दिया, उमरकोट को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया और थरपार को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया। अब क्या हो गए, ये इसकी सब डिविजन्स हो गए मीरपुरखास के। अब डिविजन्स कौन सा है, मीरपुरखास। आधी बात समझिए, फार देख लें। अब ये है हमारे पास मीरपुरखास। सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सेक्शन कौन से बात कर रहे हैं, 8 की बात कर रहे हैं। मीरपुरखास के अंदर हमारे पास उमरकोट भी आ रहा था, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास थरपारकर भी आ रहा था। ये सब इसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे थे, कौन से, मीरपुरखास के अंदर। मगर कुछ वक्त के बाद इसको एक सब डिस्ट्रिक्ट इस तरह बना दिया गया अलग से, और इसको एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया। पहले ये एक ही था, ठीक है, अब ये मीरपुरखास क्या हो गया, मीरपुरखास डिवीजन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए इनके, ये इनके हो गए सब डिवीजन। ठीक है, और ये दोनों उमरकोट और थरपारकर इनके क्या हो गए, सब डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी बेर रीडिंग कर लेते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अब यहाँ पर हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सी है, हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, सिंध गवर्नमेंट। आ रही बात समझिए, सिंध गवर्नमेंट हमारे पास क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अगर पंजाब की बात कर लें तो हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। आ रही बात समझ में? इसके बाद चलते हैं हम, आर मेक एनी पोर्शंस ऑफ एनी सच डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स एंड मे अल्टर द लिमिट्स ऑफ एनी सब डिविजन्स। और जो भी अगर जो डिस्ट्रिक्ट बनाया है उसको सब डिविजन्स बना सकता है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में से अगर कोई एक पोर्शन को कोई और एक डिस्ट्रिक्ट बना सकती है और सब डिविजन्स भी बना सकती है कुछ पोर्शन को। आ रही बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर। ये पावर सब किसको दिए गए हैं, ये सब पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे बिना किसी हेजिटेशन के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03003347285। ठीक है।